धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। 31 दिसंबर 2018 की स्थिति में पंजीकृत स्थापनाओं की संख्या 1781 थी और 31 दिसंबर 2023 में 5006। पिछले कार्यकाल में पिछले सरकार के कार्यकाल में पंजीकृत संस्थानों की संख्या में लगभग 3 गुना वृद्धि हो गई है और निर्माण श्रमिकों की संख्या में 7,02,882 की वृद्धि होकर 23,96,159 हो गई है। ये एक बड़ी उपलब्धि है, लेकिन मैं मंत्री जी से ये जानना चाहूँगा कि पंजीकृत संस्थानों में से कितने संस्थानों पर उपकर उद्गृहित किए गए हैं और कितने पर अब तक नहीं किए गए हैं, और क्या जिन संस्थानों पर उपकर उद्गृहित नहीं किए गए हैं उन पर कब तक कर दिए जाएंगे? माननीय अध्यक्ष महोदय, विभाग के द्वारा लगातार काम किया जाता है और इसके कारण से संख्या भी बढ़ा और लगातार कार्यवाही भी होती है, और जो माननीय सदस्य पूछ रहे हैं जो नहीं हो पाया है उसको जल्द जल्द करा दिया जाएगा। अध्यक्ष महोदय, मेरा सवाल बड़ा स्पेसिफिक है कि क्या हमारे पास कोई ऐसा डेटा है कि कितने संस्थानों पर अभी तक उपकर उद्गृहित नहीं किए गए हैं? क्या उनका कोई डेटा है और कितने पर नहीं किए गए और कब तक हो जाएंगे? वैसे माननीय अध्यक्ष महोदय, जो प्रश्न पूछ रहे हैं उपकर का, वो इस पर इससे प्रश्न से उद्भूत नहीं होता है। अध्यक्ष महोदय, अगर पंजीकृत संस्थानों की संख्या पूछी गई है जो कि जवाब में दी गई है, तो हमें इसी प्रश्न में ये पूछना चाह रहा हूँ कि और ऐसे कितने संस्थान हैं जिन पर ये उपकर जो हैं वो उद्गृहित नहीं किए गए हैं, ये इसी जवाब में आया है। एक बार और बोलिए ना, थोड़ा आवाज़ नहीं आया, एक बार और बोलिए जी। ऐसे कितने संस्थान हैं जिस पर उपकर उद्गृहित किए गए हैं और ऐसे कितने हैं जिन पर नहीं किए गए हैं, और जिन पर नहीं किए गए हैं वो कब तक किए जाएंगे? माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारी निरीक्षर की संख्या 300 है, जिसमें अभियोजन की जानकारी उपलब्ध करा देंगे जो अभी उपलब्ध नहीं आपके पास। ठीक, आपको जानकारी दे देंगे। श्रीमती भावना वोरा की